भाई हिंदी में बता दो, हिंदी में बोल लो यार, ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। यहाँ अमेरिका से लोग थोड़ी देख रहे हैं, हिंदी में बोलोगे तो ज़्यादा व्यूज़ होंगे और लोग भी ज़्यादा समझेंगे। बाकी आपकी मर्जी यार, हिंदी में बताया करो, हम अनपढ़ आदमी हैं। और दूसरी बात ये है कि आपकी बात छोटे बच्चों को भी समझ आएगी जो गेम के शौकीन हैं। अरे भाई हिंदी में बोल ले, क्यों झगड़ा है बे? अंग्रेज के पोते। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। तुम सबके प्यारे प्यारे कमेंट्स और इतनी फरमाइशों के बाद मैंने डिसाइड किया है कि अब से मैं वीडियो सिर्फ हिंदी में ही बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अपनी YouTube फैमिली 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर गई है, तो उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भाई लॉग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सारी आर्केड गेम्स जो हम बचपन में खेलते थे, जैसे 3-4 तरीके की मुस्तफ़ा, किंग ऑफ फाइटर्स, एक एसेट्रा, हम एक ही ऐप में ला सकते हैं और हमें डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बताओ, तुम्हें वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है? दिख रहा है क्या भाई? दिख रहा है तो उसको दबाते क्यों नहीं हो? 1000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं, 5000 करने हैं, तो जल्दी से जल्दी उस बटन को दबाओ, जितना हो सके जल्दी उस बटन को दबाओ। तो गाइस, गेम डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। वहां पर जाके लिखिए क्लासिक गेम्स। क्लासिक गेम्स लिखने के बाद जो ये सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करें, चेक कर लें कि यही वाली गेम है या नहीं। इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं व्हाट्स न्यू पे क्लिक करके। उसके बाद मैंने ये गेम ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई है, तो आप प्ले पे क्लिक करें। सबसे पहले तो ये जो आप ऐप डाउनलोड करोगे वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सबसे ऊपर जो लिस्ट है वो गेम्स है जो मैंने डाउनलोड कर रखी है। आपके में यहाँ पे ब्लैंक दिखेगा बिकॉज मैं काफ़ी टाइम से ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे में शुरू में ऐप गेम्स दिखी। उसके बाद ये नीचे गेम्स हैं जो आप अगर आप डाउनलोड करना चाहो, जैसे मेटल स्लग और मॉडर्न कॉम्बैट। अभी के लिए हम किंग ऑफ फाइटर्स 1998 डाउनलोड करके देखते हैं। तो ये लिस्ट आ गई है, देखो टेकन 3 वहाँ पर है, किंग ऑफ फाइटर्स की लिस्ट शुरू हो गई है, किंग ऑफ फाइटर्स 2004, ये रही 1998। डाउनलोड पे क्लिक करें, स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करें और वो डाउनलोड हो गई। अगर आप देखोगे तो इंस्टॉल गेम्स के ऐप्स के अंदर वहाँ पर हमें 1998 दिख गई, उसके ऊपर क्लिक करें, सिंगल प्ले पर क्लिक करें एंड देन आपकी गेम हो गई शुरू। सो अगर आप देखोगे तो ये हमारी पूरी गेम ठीक से काम कर रही है। और यहाँ पे क्वाइन पे डाला, स्टार्ट करा, जो हमारा जो मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर अगर आपने देखी हो तो जो प्रॉपर प्रोसीजर रहता है वैसे ही प्रोसीजर है इसमें भी, कोई अलग कुछ डिफरेंट है नहीं। यहाँ पे मैंने टीम सेलेक्ट कर ली, इट्स आयोरी एंड देन अब हम राउंड वन के लिए रेडी हैं। सो अगर आप देखोगे तो ये पूरा 1998 ही है, कोई इसमें अगर आपने 1998 किंग ऑफ फाइटर्स खेली है तो इसमें कोई ग्लिचेस नहीं है, बहुत इजीली आप ऑपरेट कर सकते हो इसको और इजीली आप सारे ऑप्शंस भी देख सकते हो। ऊपर ऑप्शंस का बटन है, एग्जिट का बटन है, कॉइन अगर आपको वापस से, अगर आपकी गेम ख़त्म हो जाती है तो आप वापस से कॉइन डाल सकते हो और इजीली इस गेम को खेल भी सकते हो। यहाँ पे ए बी सी और डी बटन दिए हुए हैं और हार्ड की और सॉफ्ट की दोनों के लिए काम करता है। और ये जो हैंडल है ये भी बहुत ईजीली आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आप देखोगे तो अभी क्या हो गया, किसी इंस्टॉल्ड गेम को रिमूव करने के लिए आपको ऐप रिमूव करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस रिमूव पे क्लिक करना है यहाँ पर 1998 पे और वो गेम रिमूव हो जाएगी। अगर आप देखोगे तो इंस्टॉल्ड गेम्स के अंदर अब वो आप गेम और नहीं देख सकते। अगर तुम लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।